चिकनकारी कुर्ती इज़ ऑलवेज इन ट्रेंड एंड लुक सो क्लासी हाई गर्ल्स दिस इज शिखा और आ जाओ आज आप मेरे साथ मैं देखने वाली हूँ कि कैसे मैं अपनी डिफरेंट बॉटम वियर्स के साथ डिफरेंट चिकन कारी डिज़ाइन को स्टाइल कर सकती हूँ आई होप आपके लिए भी इसमें से कुछ ना कुछ तो पक्का वर्कआउट कर जाएगा सो लेट्स क्विकली चेक दिस आउट इफ़ यू गर्ल्स आर ऑल्सो द फैन ऑफ दोज लॉन्ग कुर्तीज़ देन यू मस्ट पेयर दैट विद लूज प्लाजो शराराज गरारास और एनी थिंग विच इज़ लूजर या फिर ऐसी चिकनकारी पैंट्स सिगरेट पैंट्स के साथ या फिर वो जो चूड़ीदार रहती थी ना उनके साथ बहुत ही क्लासी लगती है आपने जितने भी सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा ना जो इतनी लेंथ की कुर्ती पहनते हैं बहुत लॉन्ग वाली वो हमेशा इन्हीं दो ऑप्शनस के साथ ट्राई करते हैं इसका बेसिक रूल ये रहता है कि आपको अपनी कुर्ती की मैचिंग नीचे स्लिप पहननी होती है लेकिन अगर आप थोड़ा सेक्सी वे में जाना चाहते हो देन यू कैन पेयर अ ब्रालेट ऑल्सो इन द सेम कलर ये भी बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं हाँ बस ये ध्यान रखना कि आपके ब्रालेट का कलर जो है वो ऑलमोस्ट अपनी कुर्ती कुर्ती के साथ मैचिंग हो अदरवाइज वो आउट ऑफ द प्लेस लगेगा कुछ ऐसे 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 डिजाइन आप चूज कर सकते हो बिकॉज चिकनकारी इज ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट कुर्ती एंड इफ यू वॉन्ट टू स्टाइल इट लाइक सेलिब्रिटीज़ देन यू मस्ट गो विद अ ब्रालेट इंस्टेड ऑफ अ लॉन्ग स्लिप ओके इफ आई टेल यू कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रही हूँ मैचिंग स्लिप या ब्रालेट पे ये देखो यहाँ पे ये ब्लेंडर दिखाई दे रहा है आपको अगर मैंने ये छोटा वाला ऐसे कैमी पहना और उसके बाद नीचे मैंने डेनिम पहना दोनों का कलर एकदम डिफरेंट लगेगा और ये मेरी हाइट को एकदम हाफ में कट कर देगा उससे मेरी हाइट भी कम लगेगी और देखने में भी अनफ्लैटरिंग लगेगा है ना लग रहा है ना आपको डिफरेंस इसमें और पहले जो पहना था अब ये देखो ये नीचे मैंने मैचिंग वाला ब्रालेट पहना है इसमें और नीचे पहनी है डेनिम Up. पीछे से लुक जो है वो एकदम नीट है मैचिंग है और फ्रंट से भी मेरी हाइट जो है वो इलॉन्गेटेड लग रही है मैं इसमें पहले से ज़्यादा लंबी लग रही हूँ लेकिन फुटवेयर्स उसको मिस मत करना इसके साथ पंजाबी जुतीस गो सुपर वेल या फिर म्यूल्स और लोफर्स भी आप ट्राई कर सकते हो वो भी काफ़ी इसके साथ क्लासी लगेंगे ओके दिस वॉज ऑल अबाउट लॉन्ग कुर्तीज़ एंड इफ़ यू आर अ अटीत स्ट्रक्चर गर्ल और बिलो एवरेज हाइट है आपकी देन आई वुड सजेस्ट यू टू अवॉइड टू लॉन्ग कुर्तीज बिकॉज दे विल मेक पेयर मोर स्मॉलर सो तो आपको नी लेंथ की कुर्तीज या उसके अराउंड की कुर्तीज़ में ही जाना चाहिए वो बेस्ट लगती हैं और उसके साथ आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो यहाँ पे आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी इंस्टेड ऑफ प्लाजोस जैसे हमने वहाँ बोला कि हमें प्लाजोस चाहिए यहाँ प्लाजोस नहीं चाहिए यहाँ पर हमें सिगरेट पैंट्स पिन पैंट्स क्यूलॉड्स या फिर डेनिम्स सब कुछ अच्छा लगेगा बट वो स्ट्रेट फिट में रहेगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंटिंग रहेगा तो यहाँ पर भी आप अपने फुटवेयर के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो पंजाबी जुतीस के अलावा पॉइंटेड टू हील्स या फिर लोफर्स ट्राई करना अच्छा मैं तुम्हें देखो डेमो देके बताना पड़ेगा <laughs> ये देखो जैसे वो पिन पैंट्स में कितना स्मार्ट लग रहा था अभी मैंने लूज वाला प्लाजो टाइप पहना ओहो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है मुझे तो और मेरी हाइट भी इसके साथ काफ़ी शॉर्ट लग रही है इंस्टेड ऑफ़ लुकिंग टॉल तो अगर आप ऐसी वाली चीजों में थोड़ा सा ये ध्यान रखोगे ना कि किसको किसके साथ पेयर करना है तो आपकी ऑप्शंस काफ़ी बढ़ जाएंगी और आपका स्टाइल स्टेटमेंट ऑफकोर्स टॉप नॉच होने वाला है सो so, गर्ल्स अगर आप ऐसी शॉर्ट कुर्तीस के साथ पेयर करो ना तो स्किनी जीन्स करना लूज फिट नहीं अच्छा अब आ जाते हैं स्लिट वाली कुर्तीज के साथ ये भी चिकनकारी में बहुत स्मार्ट लगती हैं लेकिन अगर ये राइटली पेयर की जाए तो ऐसी लूज डेनिम के साथ नहीं और ना ही बहुत टाइट फिट स्किनी जीन्स के साथ ऐसी सलवार्स के साथ इनको पैर करो बहुत स्मार्ट लगेंगी हाँ क्यों बोल रही हूँ मैं आपको कि आपको स्किनी के साथ नहीं पहनना इसको बिकॉज अगर आप स्किनी जीन्स के साथ या फिर टाइट पिन पैंट्स के साथ इसको पैर करोगे ना तो आपकी जो स्लिट वाला पोर्शन है वहाँ पे आपका क्रॉच एरिया बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देती हैं और साथ ही जो ये स्लिट का पोर्शन होता है ना ये हमेशा वॉक करने के समय हमारी लेग्स के अंदर जाता रहता है दैट लुक्स सो अनफ्लैटरिंग एंड सो सोकास्टिंग तो आपको ऐसी टाइट फिट पैंट्स पिन पैंट्स ऐसी स्लिट वाली कुर्ती में अवॉइड करनी चाहिए अच्छा अगर आप स्लिप और कैमी नहीं पहनना चाहते हो तो एक और ऑप्शन है जंप सूट के ऊपर अपनी चिकनकारी कुर्ती पहन लो हाँ थोड़ा सा जम्प सूट को पी करने के लिए यू हैव टू अंड्रेस योर सेल्फ सो यू कैन चेक आउट द स्पैन ऑफ टाइम वेयर यू आर गोइंग उसके अकॉर्डिंगली आप इसको स्टाइल कर सकते हो अदरवाइज कॉर्ड सेट के ऊपर पहन लेना इसमें सब ऑप्शन सॉर्टेड है और क्यूट भी लगता है ओके okay. आउटफिट कंप्लीट करने के बाद ना असेसरीज़ को पेयर करना मत भूलना और देखो ड्रास्टिकली आपकी लुक कैसे चेंज हो जाती है अगर आप डिफरेंट तरह के असेसरीज़ पहनते हो आप इसको इंडो वेस्टर्न में भी क्रिएट कर सकते हो और वेस्टर्न में भी क्रिएट कर सकते हो और बाकी बचे आइडियाज़ के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना वहाँ आपको बहुत सारी ऐसी अच्छी वीडियोस और मिल जाएंगी जहाँ पे आप काफी सारे स्टाइलिंग आइडियाज पिक कर सकते हो अपने लिए पर्सनलाइज नोटिफिकेशन अगर चाहिए हो तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलना हाँ कोई आइडियाज चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ ऑन द नेम ऑफ स्टाइल विद सेटा सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड बाय